चली महुआ से सतीश कुमार सोनी की रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी में तांडव मचाया हुआ है। ऐसे में बिजली की आंख मिचौली ने यहां के लोगों की नाक में दम कर रख दिया। विद्युत वितरण निगम में अधिकारियों की अनदेखी के चलते कस्बे की विद्युत व्यवस्था इन दिनों एकदम चौपट हो गई है। विद्युत अनियमितता से यहाँ की पेयजल व्यवस्था भी डगमगाने लगी है, जिसमें लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है। महुआ के विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि बढ़ रहे अनियमित विद्युत भार, खम्भों पर ढीले पड़े बिजलियों के तार में स्पार्किंग होना तथा वोल्टेज का हाई होना आम बात हो गई है, जो विद्युत कर्मियों की अनदेखी का परिणाम है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दिनांक 20 जून